पुलिस की शाम उस महिला को भुलाए नहीं भूलती। जब वह काम से लौट रही थी तो अचानक बाइक सवार दो दरिंदे उसके पास से गुजरते हैं और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर भाग जाते हैं। भयानक दर्द से तड़पती महिला वहीं गिर जाती है और चारों तरफ मच जाता है हाहाकार। लगभग 3 महीने गुजरने के बाद अब पीड़ित महिला का इलाज पानीपत के बरसत रोड स्थित एंजल केयर अस्पताल में चल रहा है। जब पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे तो यकीन मानिए दिल कांप उठा। पीड़ित ने उस भयानक शाम की सारी दास्तान बताई और कहा कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में वह किसी महिला की जिंदगी खराब ना कर पाए। वहीं पानीपत की प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने बताया कि पीड़ित को महिला बाल कल्याण विभाग की तरफ से 25,000 रुपए की सहायता दिलवा दी गई थी। जल्द ही पीड़िता की और भी मदद की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1 लाख का चेक भी दिया गया है। हालांकि प्रोटेक्शन ऑफिसर से बात होने के बाद विभाग की ओर से महिला के खाते में 75,000 और जमा करा दिए गए। इस बारे में महिला बाल कल्याण अधिकारी राजबाला ने बताया कि सरकार ऐसी महिलाओं के लिए इलाज का पूरा खर्च उठाती है। इस सारे मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर जब DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स से बात की गई तो उन्होंने बताया कि केस की छानबीन के लिए SIT गठित की गई थी। हालांकि अभी तक आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस की जांच लगातार जारी है। बहरहाल अब पीड़ित महिला चाहती है कि उस पर तेजाब फेंकने वाले आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वह किसी और मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। ड्यूटी करके घर आ रही थी तो रास्ते में दो बाइक सवार एकदम मेरे सामने आए और मेरे पर एसिड डालकर चले गए। टाइम शाम का टाइम था, यही कोई 6:30 बजे के करीब, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा चेहरा जल चुका था और मेरी दाहिनी आँख भी खराब हो चुकी जिससे मुझे दिखाई नहीं देता और पूरा चेहरे में जख्म बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते परेशान और क्या कहते हैरान थी। मैं एंजल केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिली और डॉक्टर साहब जी ने मेरा ऑपरेशन किया जिसकी वजह से अब मेरा स्थिति चेहरे की ठीक है और अभी और इलाज चल रहा है मेरा और मेरे खाना भी नहीं खा पाती थी जिस अब मैं खाना भी खा सकती हूँ अच्छे से। जी सर, मैं यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। वीडियो में तो आ रहे हैं मगर अभी तक पकड़े नहीं गए आरोपी। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा मिले जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ। मेरा पूरा परिवार तंगी और बेरोजगारी की हालत में है। बस मैं ये चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि वो किसी और महिला या किसी लड़की पर ऐसा करने से भी घबराएं और सोचें कि हमने ऐसा क्यों किया। कोई एसिड अटैक विक्टिम होती है, इसमें ये है कि हमारे महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इसमें रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम फॉर विक्टिम्स इसमें है, एसिड अटैक विक्टिम। इसमें महिलाओं और बच्चे भी जो हमारे 18 साल तक के होते हैं तो वो कवर किए जाते हैं और इसमें ये है कि 1 लाख रुपए तक की राशि देने का विभाग द्वारा प्रावधान है। इसमें हमने हमारा एक एसिड अटैक विक्टिम का केस था पानीपत का, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उपायुक्त महोदय द्वारा 25,000 रुपये हमने अग्रिम राशि दे दी थी, तो बाकी की राशि के लिए हमने उसका पूरा केस साथ में उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स उसकी FIR साथ में पूरा हेड ऑफिस भेजा हुआ है। जल्दी राशि अभी पता करवाया है वहाँ भी, तो वो वहाँ से भी सैंक्शन हो चुके आने। जैसे वो एसिड अटैक की सूचना मिली प्राप्त हुई थी तो हमारे विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये ड्यूटी लगाई गई थी कि उसका केस तैयार करके मैं विभाग को भेजूं, तो उस पर विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला स्तर के ऊपर ही उसको 25,000 रुपये की राशि उसी समय 2 दिन के अंदर अंदर प्रदान कर दी गई थी और जो शेष राशि है वो 75,000 रुपये की उसकी जो फाइल है वो हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला में गई हुई है जो कि वो जल्द ही राशि आने वाली है। और उसके अलावा जो है जब वो मेरे पास पेश भी हुई थी पूनम, तो उसका ये कहना था कि उसकी भी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि गुजारा
असर नहीं हो रहा है, तो उस समय भी मैंने एक अपने माध्यम से एनजीओ से मदद लेकर उसे घर में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। और फिर जो है इसमें और हमने ज्ञान लिया तो पता चला कि लीगल एड के थ्रू भी जो है उसको एसिड अटैक में राशि प्राप्त हो सकती है, और आज उसको जो है वो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। कार्रवाई तो उसमें बहुत सारी की जा चुकी है, जो जो भी उसमें क्लूज आए थे SIT आपको पता ही है बनाई हुई थी, अभी भी वो SIT काम कर रही है, वो बहुत सारे उसमें जितने भी क्लू आए हमारे पास सबको इन्वेस्टिगेट किया, थोरोली इन्वेस्टिगेट किया गया है और बड़े गहराई से और DSPs की निगरानी में उसमें किया गया है, लेकिन अभी तक नई कामयाबी इसमें मिल पाई है। और उसके लिए जैसे पता है 50,000 रुपये का इनाम भी हमने पहले घोषित करवाया था, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें, और SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें इन्वेस्टिगेशन। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.